मरीजों की जांच में निजी लैब की जांच पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। पहली बार निजी लैब की लिखित शिकायत हुई है। शिकायत की जांच में कमेटी द्वारा दिए गए निर्णय के मुताबिक लैब को बंद भी किया जा सकता है। इंदौर के विष्णुपुरी इलाके में रहने वाले सतपाल सिंह ने इंदौर स्वास्थ्य विभाग में कोविड 19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार को इंदौर स्थित सोडानी लैब के संबंध में कोविड की जांच में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। निजी लैब में कराई गई जांच में आने वाले परिणाम से फरियादी असंतुष्ट था और उसने फिर वही जांच शासकीय लैब में करवाई तो परिणाम विपरीत सामने आया। इस पर सतपाल ने विभाग के नोडल अधिकारी को लिखित शिकायत की है। अधिकारी का कहना है कि पहली बार लिखित शिकायत की गई है। कुल मिलाकर आई शिकायत और जांच कमेटी के निर्णय के बाद अब किसी भी तरह की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन करेगा। मेरा साहब 3-4 दिन पहले मेरा मित्र है हरपाल सिंह भाटिया, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था तो रूटीन में हमारे सभी फ्रेंड सर्कल ने जांच कराई तो सबका नेगेटिव आया, पर मेरी रिपोर्ट रात को 10 बजे पॉजिटिव आई। सोडानी लेबोरेटरी से टेस्ट कराया था सब ने, तो मुझे शंका हुई कि भाई पूरे ग्रुप को आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि सब साथ रहे तो मेरा अकेले का ही क्यों आया। तो मुझे शंका हुई, एक घंटे बाद मैं सेंट्रल लैब गया मेरी वाइफ को लेके, तो सैंपल हमने एक घंटे बाद दिया, सुबह मेरी रिपोर्ट वहाँ नेगेटिव आई मेरी और मेरी वाइफ की। तो मुझे इस पे डाउट हुआ, मैंने दिन भर में कोई दवाई नहीं ली सोडानी को सैंपल देने के बाद, तो 2 घंटे में कैसे नेगेटिव आ सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने सरकारी जो टेस्ट होते हैं वो भी टेस्ट कराया, वो भी मेरा नेगेटिव आया। फिर मैंने अपने मित्र को बोला कि भैया आप भी जांच कराओ आपकी और आपके फादर की, तो उन्होंने भी जांच कराई तो उनका भी नेगेटिव आया। तो ये एक सवाल उठता है साहब कि ऐसे 2 घंटे में क्या कोरोना वायरस पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या जांच का बहुत बड़ा खेल चल रहा है लेबोरेटरी में। नहीं, मुझे शासकीय जांच पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि उन्होंने भी नेगेटिव दी और सेंट्रल लैब से भी नेगेटिव मिली, परंतु मुझे जो शंका हो रही है वो सोडानी लैब पे हो रही है कि उनकी जो जांच है वो सही है या गलत है। इसको शासन को इस पर विचार करना चाहिए, जांच करना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर डॉक्टर अमित मालेकर जी से शिकायत करी और कलेक्टर साहब से मैंने इसकी शिकायत करी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच करेंगे और एक्शन लेंगे। शायद उन्होंने आज इस पर जो है जांच के जो है रुपए भी कम करवाए हैं इसके। कलेक्टर साहब ने अच्छा एक कदम उठाया है शहर की जनता के लिए।